गाइस प्यारे प्यारे व्यू के साथ वहाँ सितारों के, तो बस सुबह सुबह अभी एंड हम लोगों ने सोचा अभी बिना तैयार हुए बाहर चलते हैं ना वॉक पे, कुछ ब्रेकफास्ट कराते हैं। तो हम लोग लिटरली अपने पजामों में, मतलब भानु ने तो फिर भी प्रेजेंटेबल कपड़े पहने जी, अभी पजामों में, मैं भी पजामों में, चलते यार क्या हमेशा तैयार तो लोग निकलना, कभी ऐसे इंजॉय करने चलते हैं एंड यू नो थोड़ा सा फील लेके आते हैं। तो एक घंटे के लिए जा रहे हैं बिकॉज हमारा चेकआउट भी यार 11:30 तक, तो उसके बाद हम लोग निकलेंगे एमआरसी के लिए, दिखाएंगे आपको भाई बहुत मजा आया कल, इट वाज रियली रियली नाइस, है ना मानू? एब्सोल्युटली, देख लो भाई, देख लो भाई, बहुत बहुत बढ़िया जगह, है ना मानू? सॉरी हम बार बार आपको ऐसे बेच रहे हैं जगह, हमें कोई कोई वो नहीं है भाई, बहुत कमीशन नहीं मिल रही यहाँ के काउंसिल से या कुछ से, कुछ नहीं मिल रहा भाई, लेकिन क्योंकि यार हम लोग ऐसे हॉलीडेज पे नहीं आए जहाँ पे ऐसी कोई चीज होती हो, हम जनरली रिजॉर्ट स्टाइल में जाते हैं, जैसे बालकनी यहाँ बैठे अभी मैं, और बहुत सुंदर नीट एंड क्लीन एयरबीन पे था, अच्छे खासे एसी चल रहे थे, मान देख वो रहा पोसा पोसा, वो हम पहले होटल करने वाले थे, वैसे देख रहे प्लान भी कर रहे हैं, चलो पोसा पोसा हमने देखा, किधर है वो रहा, वो रहा ना बड़ा महंगा था ये, ऊपर ही है उससे बिल्कुल, मैं नीचे मिल गया एंड भी उल्टा वहां से ये व्यू नहीं आता, वहां से ये व्यू ज्यादा अच्छा है। आ जा देख लो गाइस, बहुत सुंदर है यार, बहुत प्यारी जगह, एयरबीएनबी का नीचे देख लेता हूं, हाँ हम दे सकते हैं भाई, मुझे मुझे डीएम आया है भाई, एक मैं नाम भूल गई उनका, कि वो भी इसी एयरबीएनबी में रुके थे, सुंदर है, नीट एंड क्लीन है, बस किचन स्पेस नहीं है, अगर बच्चे के साथ थोड़ा सा बस वो लगा, बट कोई बात नहीं, मैं लास्ट मिनट गया था भाई, हमें इतना देखा भी नहीं था ऑनेस्टली स्पीकिंग। यहाँ पर आए हैं वो साइड्स, यार क्या बोलते हैं, सॉरी गाइस, मुझे डीएम आया था कि आप इसमें ज़रूर जाना, छोटा सा कैफे है इटालियन ब्रदर्स, ऊपर जगह हो तो भी फायदा है, हाँ लग तो बड़ा प्यारा रहा यार, ये सब तो बहुत प्यारा है, बट एक चीज़ और प्यारी, जब भानु चिया का बैग टांगता है ना उस पर एलिना लिखा हुआ है, इट लुक सो क्यूट, यार गर्ल गर्ल डैड, इसका वो नीचे गिर रहा है भानु भानु, इसका पूरी स्टॉल, गर्मी है ना तो मैं इस पर ढक के रखती हूँ थोड़ा सा, वो धूप से प्रोटेक्शन के लिए, वो लोग बातें फेंकती रहती है। भानु चावला यू आर अ वेरी क्यूट गर्ल डैड, You're a very beautiful girl, you know what I mean, right? मुझे बड़ा प्यार लगता है जो बचिया के साथ खेल रहा होता है ना ऐसा वाला। चलो गाइस लेट्स गो। हाँ नहीं मैंने लगाई है सनस्क्रीन, बहुत गर्मी है गाइस, अब गर्मी धीरे धीरे बढ़ रही है, बट मैंने कहा साथ में आपको व्यूज़ दिखाती हूँ। अच्छा हाँ, तो ये बेसिकली ये वाला जो कोस्टल एरिया, दिस इज़ पॉसिटानो, वो प्रायर्नो है, प्रायर्नो आई थिंक प्रायर्नो, मैं शायद सही नहीं बोल रही हूँ, तो यहीं से फेरी चलती है, अगर आप जैसे 3-4 दिन के लिए आ रहे हो, फेरी लो नीचे से, काफ़ी लोग वहाँ जाते हैं, वहाँ का बीच कह रहे हैं बड़ा सुंदर है, वहाँ जाते हैं सनसेट देखते हैं फिर फेरी से वापस आ जाते हैं, और इसके आगे एमाल्फी का जो मेन वाला कोस्ट है वहाँ पर है, तो हम लोग प्रायर्नो नहीं कर पाएंगे आज, और सरेन तो भी बहुत फेमस है यहाँ पे, बट हम सीधा यहाँ से एमाल्फी जाएंगे अपनी गाड़ी में, है ना मानो यही प्लान है ना, यहाँ पे वन वे है बस, ये गाड़ियाँ और पेडेस्ट्रियंस आते रहते हैं, हम क्योंकि वन वे है तो वी जस्ट हैव टू कीप लुकिंग बैक कि भाई कोई आ रहा है साइड होते जो, वेरी प्रिटी। ब्रेकफास्ट ऑर्डर कर रहे हैं तो, बट स्टिल यू नो टू बी इन द सेफ जोन, चिया का अपना एवोकाडो मैश लेकर आए हैं, उसके लिए वो बना रहे हैं, हमारी गुड़िया वो खाएगी, साथ में थोड़े से एग्स है ना, और मैंने पैनकेक्स मंगवाए हैं और वो भी दे देंगे, एंड या कैसा लग रहा है इतना छोटा बेबी, अरे गरम गरम पता है, इतनी चेप है ना वो पीछे बैठे हैं ना, मैं सच में मुझे बोलना पड़ रहा है, पता पकड़ लेती हूँ बंदा सास से उसकी शर्ट पकड़ लेगी फिर देख है? और देख के फिर चार अपने दांत बाहर निकाल के हंसेगी, अब इसको मतलब हम आप देख रहे हैं इसको हमारे में इंटरेस्ट नहीं आ रहा, ये तो साथ में होते हैं साइड गोरों को पीछे जो बैठे हैं ना, ग्रैंड माँ लग रही है इसकी पीछे, पता कितनी प्यारी है वो, तो वो इससे बातें कर रही थी, वो देखो देख रही है चिया ये बच्ची कितना चेप हो गई लोगों को बेटा, अपने छुट्टियों पर आया होता है, अच्छा ठीक कर लो बातें आप उधर ही घूम, इसकी चेयर घुमाई दे मानू, घुमा दे इसकी घुमाई देखो देखो इसका हम छोटा स्पून यहाँ से वाले मैं खिला देते नहीं, छोटे वाले चम्मच अभी दे देंगे, हाँ देंगे। एनीवे गाइस अभी ये हालत है हमारी एंड अभी इधर गर्मी बढ़ रही है, एंड ऑल्सो आज इंडिपेंडेंस डे है इंडिया का, तो हैप्पी इंडिपेंडेंस डे, बिलेटेड ही जाएगा आई थिंक ये, तो क्योंकि हम लोग ब्लॉग बाद में जाएगा तो मानो एडिट कर रहे हैं आजकल सारे छुट्टी वाले ब्लॉग्स, हैप्पी इंडिपेंडेंस डे, एंड हम लोग ये बातें करते थे जब हम स्कूल में होते थे, हमारा इंडिपेंडेंस ही होता था 50-52, अब 78 पे आ गए भाई, टाइम बहुत जल्दी गुजर रहा है, दिस शोज हम बड़े हो रहे हैं, एंड ऑल्सो हम ये भी बातें कर रहे थे वो जो कोलकाता वाला केस आया वो जो डॉक्टर का, इट्स जस्ट लाइक अपसेटिंग, इट्स जस्ट लाइक नोबडी डिजर्व्स दिस,
nobody like. क्या बकवास यार, मतलब सुन के ऐसा लगता है कि बेचारी उस पर तो बीती बीती, फैमिली पे बीत रही होगी. मतलब यू नो, मतलब दरिंदे रहते हैं. मुझे लगता है कई लोग ऐसे हैं कि मतलब मेरा बस चले, समझ रहे हो, इट्स नॉट गुड. एंड एनी वे चलो खाते अपना ब्रेकफास्ट करते हैं. ब्रेकफास्ट देख लो मस्त आया भाई. फानू का मेरा है हैम एंड चीज सैंडविच एंड साथ में स्क्रैम्बल्ड एग्स. काली यू एग्स काली मांग रही आई थिंक. नाइस नाइस. आज मैं पहनने वाली हूँ पूरी माल्फी थीम वाली वाला आउटफिट. तो मैंने ये कल ही लिया था यहाँ पे क्विक चलते फिरते हैं. इधर बहुत सारे स्टोर्स हैं ना कपड़ों की, तो लगते तो बहुत सारे अच्छे अच्छे हैं. बट मैंने कहा ज़्यादा कहीं तो बहुत ज़्यादा वो यार, ये भी मुझे ज़्यादा ही लग रहा है मेरे हिसाब से. बट ठीक है यार, जहाँ पे जिस जैसा देस वैसा भेस. ये लव इट भानु लव्स है. भानु ने एक्चुअली सेलेक्ट किया था. मुझे इसके ये बड़े पसंद है जो मैं इनको फोमन बोलती हूँ. बट चलो अब रेडी होते हैं. हेलो गाइस, जी आपका कमेंट देखो मैंने इसके पिक्चर के लिए इसको पहनाया. नहीं एक्सक्यूज मी, मतलब ये मतलब सरेआम चोरी कर लेते हो तुम. पता है जब मम्मा मना करती है कि कागज नहीं खाना, भाई काट के इसको फेंकती रहती है, एक दो मुंह में भी छुपा लेती है. नहीं बेटा आई एम सेइंग नाउ, तो भाग भाग के भाग के भाग के भाग गई, वहाँ जाके खाई है. कहीं से कितने बच्चे चालू होते हैं. कैन आई हैव माय मैप बैक बेटा, हमें घूमना है. ग्लॉस तो जाएंगे फिर इसके बिना. चलो लेट्स गो लेट्स चेक आउट दोस्तों. तो भाई वक्त आ गया है पॉसिटानो को बाय कहने का. एंड अब हम लोग निकल गए हैं अमाल्फी की तरफ. अमाल्फी व्यू देखो गाइस सामने, बहुत सुंदर भाई. गाइस हम बोलने के लिए बोल रहे हैं, हम मैं और भानु तो पागल, हम सोच रहे हैं हर साल यहाँ पे आ गए. अगर अगर भगवान ने चाहा तो इट्स ब्यूटीफुल. लाइक जो जो ये व्लॉग देख रहे हैं अपनी बकेट लिस्ट में डाल लो भाई, अमाल्फी पॉसिटानो इट्स लाइक वन ऑफ अ काइंड वाली चीज. पता नहीं ग्रीस वगैरह भी क्या पता ऐसा होता, हम लोग गए नहीं वहाँ पे. तो एथेंस तो सिटी है ना, लाइक सैंटोरिनी वगैरह, वो भी ऐसे पहाड़ों पे वाइट वाइट से घर बने होते हैं भाई. इतनी मतलब और कमर्शियल करा हुआ काफ़ी ज़्यादा, तो इट्स लाइक काफ़ी तुम्हें रेस्टोरेंट्स शॉप्स देख रहे हो कितने आराम से बैठ के. क्या व्यू है नीचे यार, मतलब ब्यूटीफुल. चलो जी चलते हैं अमाल्फी की तरफ, हम थोड़ा ड्राइव पर फोकस करते हैं. मिलते हैं अभी आपसे, दिखाते रहेंगे अच्छे अच्छे व्यूज़ आएंगे. इसके बाद मैं डालती रहूँगी थोड़े थोड़े अच्छे व्यूज़ भी. पहुँच गए हैं अमाल्फी, मतलब हम ऊपर ही हैं. वी कैन सी फ्रॉम हियर, अभी दिखता तो मैं आप दिख रहे हो वॉल, दैट इज़ अमाल्फी का जो वो फेमस वाला एरिया है कोस्ट, जितना मुझे समझ में आ रहा है. बाकी जाके देखते हैं अभी पास में जाके. थोड़ी सी ड्राइव यहाँ पे यही है, ये पहाड़ों पहाड़ों वाली है. बट या इट्स नाइस, थक गया भी ऐसे, थक गया भी, कुछ पीना है ठंडा पीना है कुछ, है ना. वही हाँ वही है अमाल्फी. मेरी बात सब ध्यान से सुन लो, जिन जिनको स्विमिंग नहीं आती ना मेरे कहने पे प्लीज़ सीख लेना. मैंने तो थोड़ी सी सीखी थी वो एयर होस्टेस के टाइम पे, बस उसके बाद थोड़ा सा मैं कर लेती हूँ. बट यार यहाँ पे गोरे भाई कहीं से भी कूद जाते हैं पानी में भाई. चिया को तो हमने एकदम प्रॉपर सिखानी है. नहीं भानो, इन छोटियों का मज़ा तुम्हारा ट्रिपल चार गुना हो जाएगा अगर तुम्हें स्विमिंग आती है. पता क्या, वहाँ बीच बीच में ऐसे केव्स आ रही थी. केव्स मतलब कि ऐसे नॉर्मल से नेचुरल जो स्पॉट होते हैं वो कोरल्स वगैरह होते हैं भाई. वहाँ पे गोरे अपना कूद रहे हैं यॉट से आके और फ्लोट कर रहे हैं. मतलब हम तो नहीं कर सकते, हम तो थोड़ी देर ही स्विम कर सकते हैं. तो आई थिंक बहुत ज़रूरी है स्विमिंग आना. इस तो हम लोग अमाल्फी पहुँच गए हैं, लेकिन पार्किंग का बहुत इशू हो रहा था. काफ़ी लोग अमाल्फी बेसिकली इस तरफ है नीचे. पहले तो वहीं पर ही गए उसकी कोस्ट पे पियर के पास, पर वहाँ पर नहीं मिल पाई. माधुरी यहाँ पे देखी हुई थी, आई थिंक उसका नाम है, यहाँ नहीं लिखा, लूना कुछ करके है. यहाँ पे इन लोगों ने मना कर दिया कि यहाँ पे नहीं है. फिर हम लोग आगे चले गए भाई, तो वो बोल रहे थे वहाँ जाके पार्क करो उधर. मैं जगह का नाम ही भूल जाती हूँ, पता नहीं क्या नाम बताया था, मैं नानी या ऐसे कुछ नाम था. तो बट वो फिर हमने सोचा वहाँ से यहाँ पर टैक्सीज का इतना वो कन्वीनियंट नहीं है ना, बिकॉज वहीं पहाड़ों में तुम्हें आना है. तो मैं कहा वहाँ लोग वापस चलते हैं, क्या पता लक काम कर जाए. हमने बोला जय गुरु जी और हम वापस आ गए. और हमें देखो पार्किंग मिल गई वापस यहाँ पे. बट ये कि अभी उन्होंने बोला है कि आप लोग सिर्फ ड्राइवर ही अंदर जाएगा, एंड भानु विल कम बैक देन विल वॉक डाउन नीचे. अना गुट्टू गुट्टू सो गई थी. अरे अरे क्या हो गया बेटा, अशरा था क्या चाहिए, क्या चाहिए पता. बार मुझे ऐसे करी चिया हाथ देती है, फिर मैं किस करती हूँ, फिर खुश होते. ओके खुश
एंड एज यूजुअल बहुत गर्मी है यहाँ पे एंड आई थिंक बहुत डिमांड में अमालफी, तभी पूरी दुनिया यहाँ पे आई हुई है। आई होप ये मुझे लग रहा है कि यहाँ पे ये और चीज़ें बनाएंगे यहाँ पे टूरिस्ट टूरिस्ट वाली, जैसे हर थोड़ी देर में ना ऐसे पहाड़ों पे जिन्होंने कुछ बनाया होता है, जैसे वो पॉसितानो था, फिर प्रायानो था, फिर अमालफी है, ऐसे मुझे लग रहा है वहाँ पे भी कुछ कुछ बनने वाला होगा। इट्स वेरी ब्यूटीफुल यार, किंग नाम ये रहा लिखा हुआ सामने लूना रोसा बोलते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे आई थिंक है काफ़ी पार्किंग जिन्होंने मैं पहले मना किया था, फिर हम घूम कर आए, हमें मिल गई है फिलहाल। एंड भानु भी आ गया, ये बहुत दूर है क्या यार, तू कहाँ से गया था वहाँ से आया? चलिए केव से आया हूँ, केव है। रियली सुंदर है, केव है। अच्छा ओके, चलिए फाइनली हो गया गाइस, मैं बता रही हमारे साथ क्या हुआ अभी। फिर हमने सोचा कि हम प्लान भी चेंज करते हैं, हम सोरेंटो चल लेते हैं। तो मैंने कहा नहीं यार, भगवान का नाम लो, एक बार ही ट्राई मार लेते हैं, हम वापस आ गए। एंड गुरु जी ने हमें पार्किंग दिला दी। चलो जी चलो लेट्स गो। हम लोग नीचे जा रहे हैं अभी एंड व्यू देख लो आप, यहाँ पे आई थिंक होटल है उसका, भाई लोग अपना प्रॉपर स्नॉर्कलिंग वगैरह कर रहे हैं, पता नहीं कैमरे में आए देखो थोड़ा। ओ वाओ भाई सो नाइस, मानो देख रहे हैं अरे तुम अंदर चाहिए छोटी गाड़ी वाला रास्ता है यहाँ पे, तो एवरीबॉडी इज सो कंफर्टेबल एंड वेस्ट पास पहुँच चलती है यहाँ पे, वेस्ट पास बस यार हम भी आ गए हैं, कहाँ जाना है हमने है ना, कहाँ जाना है हमने। भाई और बहनों पहुंच गए हैं हम अमालफी फाइनली, इतने मुद्दतों के बाद, इफ दैट्स द राइट वर्ड, क्योंकि मेरी हिंदी भी उरुशी की तरह से, मतलब मेरे 3 मार्क्स ज्यादा आए थे, बट इट्स फाइन। मुद्दतों के बाद यार, मुद्दतें यार अपना वर्ड है गाइस, बहुत प्यार है यार, बहुत प्यार है, बहुत 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 प्यार है, लाइक वी आर सो ग्रेटफुल कि हम यू नो हम यहाँ पे आ सके। सही में यार, इट्स ट्रैवल ओपन्स अप योर माइंड, कहीं पे भी ट्रैवल करो एंड हमें बहुत शौक है ट्रैवलिंग का, इनफैक्ट प्री चिया एरा में भी हम बहुत ट्रैवल करते थे ना, तो आई थिंक अपने खुद में इन्वेस्टमेंट होगी ट्रैवल करना, सीरियसली यार अपना दिमाग अपना कल्चर सब कुछ यहाँ देखते हो, यू ओपन अप यू एक्सप्लोर, आपका अगर किसी क्रिएटिव ब्रेक में भी हो या लूप में फंसे हुए हो या बर्न आउट हो सबसे ज्यादा, इट रियली ओपन्स यू अप। That's absolutely true. भाई बंदे बंदा छोड़ा हुआ पूल पे एंड इट्स ब्यूटीफुल। चलो हम भी किसी रेस्टोरेंट में कहीं खाते पीते हैं ना गाइस, सबने आना है यहाँ पे, हम सब एक दिन हम यहाँ पे मीटअप करेंगे, सब आएंगे, हम भी नेक्स्ट ट्रिप अपना जल्दी प्लान करेंगे दोबारा यहाँ पे। तो बस ये है कि ये वाली जगह ना थोड़ा पहले प्लान कर लो, एंड अगस्त में थोड़ी गर्मी ज़्यादा है, आई वुड से राधा कम इन जून, और भीड़ भी बहुत ज़्यादा है, बच्चों की छुट्टियाँ होती है ना यहाँ पे, गर्मियों की छुट्टियाँ होती हैं, जून के आसपास आओ आई थिंक और मज़ा आएगा, बट गर्मी इसके मज़े से वो ले नहीं रही है इस मज़े को, यू नो मतलब इट्स लाइक कि तुम फिर भी इंजॉय करो, इट्स सो ब्यूटीफुल, इट्स वेरी ब्यूटीफुल गाइज, आना है सबने आना है, ठीक है चलो। तो इस व्यू के साथ के रेस्टोरेंट है ये बम्बीना, खुश हो गए बम्बीना, हमने सिर पे पानी डाल दिया, पानी पिला के गर्मी पड़ी थी, सिर कपड़े भी गिरा दिए ना, कोई नहीं नहीं इसने हां भाई पजामा जी गिरा अपने, हां हां उसको मजा आ रहा है, एक सेकंड में सीख जाएगा, इतनी गर्मी है। मैं बम्बीना वो देखो बाकी सारे बम्बीना कैसे कर रहे हैं, पानी हमारा खाना आ गया, हमारे दोस्त बन गए पीछे, बड़ा मजा आता है यू नो स्ट्रेंजर्स से बातें करने में, एंड मतलब यू नो फैमिली वाले तो बता रहे हूँ कि वो ब्रांड ओ ओ चिया चिया चिया, मैं बच्ची बेटा आराम से बेटा क्या कर रहे हो चिया, इट्स वेरी हॉट एक्चुअली, इट्स ओके, एक मिनट रुको, चिया के लिए हमने मंगवाई है फिश, पानू क्या मंगवाया चिया के लिए, बेक फिश एंड साथ में भाई राम बेटा चिया खाना खाया जा रहा है, इसको पता नहीं क्यों ये वाली ब्रेड ही खानी है, मम्मी तो छीन के लिए इसमें, और एक तरफ ये हो रहा है भाई फिश पकड़ी थी, सब सब चला रहे थे, इसके लिए शेयर कर रहे थे, इन्होंने फिश फाइनली मच्छी पकड़ ली है वहाँ पे देखो, गर्मी बढ़ी जा रही है ना, निकल लेते हैं बेटा, आपसे खाई नहीं जा रही है, अब क्यों इसको जबरदस्ती चबा रहे हो, जाना बाहर लेके गया उसको, राहुल से कार था ऊपर माउंटेन्स पे थे ना, तो एक बी दिखी, मैं कहा लुक बी व्हाट इज द बी से, सामने देख कोयला टूट जा रहा था, कर दी
उसके अंदर मुंह पे चीटे पैक की ना चिया देखो वो देखी जा रही पीछे देखी जा रही वो कहता है सो क्यूट वैसे है तो सो क्यूट। तो फाइनली निकल गए वहाँ से रेस्टोरेंट से। अब थोड़ी गर्मी तो अभी भी है बट हम थोड़ा अब मार्केट में आ गए। तो हमें अभी मिले थे, मैं व्लॉग में लेना भूल गया आपको, नताशा एंड उनके साथ में उनके हस्बैंड थे आई बिलीव। तो वो हमें मिले थे अभी यहाँ पे एमआरपी में एंड अपेरेंटली शी टेक्स्टेड भी, मैंने देखा नहीं होगा या कुछ। तो फिर भी देखो इतनी भीड़ में हम लोग मिल गए बट मुझे बुरा लग रहा है कि मुझे ब्लॉग बनाना चाहिए था। नताशा आपने पिक्चर ली थी साथ में, आप कहीं डालोगे तो टैग कर देना, यू नो इट्स गुड टू मीट। मैंने कहा ऐसे एकदम से इंडियंस यू नो अपने मिलना इट्स ऑलवेज गुड टू मीट। तो बड़ी हमने थोड़ी बातें बातें मारी। एनीवे उन्होंने हमें बताया कि तुम लोग ना यहाँ जाओ स्ट्रीट्स में क्योंकि बाहर गर्मी हमें कोई बीच बीच में आने का इतना वो नहीं है। चिया को हमें पानी में लेके जाना था बट उसको हम होटल के पूल में ले जाएंगे कल। हाँ तो फिर अभी बस हम स्ट्रीट्स पे घूम के फिर हम लोग निकलते हैं क्योंकि आई थिंक थोड़ा सा गर्मी कम होनी चाहिए अगर तुम्हें इतने ओपन बीच में आना है। मतलब कि फ्रेश वाली जलातो मिल रही है, वो 100 रुपए मिल रही है, सॉरी लेमन वाली। गाइस मेरा दिल आ गया, 100 बीच की है। भाई नताशा भी कह रही थी कि भाई तुमने वो ट्राई मैंगा, आई लव इट, मैं तो पता नहीं कितने खा चुकी हूं, मैं हर नुक्कड़ में नहीं जाती, पता नहीं कितनी चीनी भी नहीं होगी इसमें। बाहर छोड़ो डाइटिंग वाइटिंग छोड़ो भाई, बहुत स्वाद है दिखाता हूं गाइस। भाई ये चीज है, इसने मेरा, इसको दिल्ली ले चलो, इसको यूके ले चलो, मैं इसके बिना नहीं जी सकती, इसके बिना मेरा जीना मुश्किल है। अच्छा बेस्ट सही है तो स्पोर्टा मरीना से लेना। क्या नाम है गाइस? स्पोर्टा मरीना, भानु लेकर आया है। भानु इसका क्या करना है गाइस? ये कैसे इसको कैसे इसका मॉन्यूमेंट बना ले, कि क्या डिजर्ट है यार, ये कैसे करे? भानु कुछ जुगाड़ करना पड़ेगा भाई, हम ही खोल लेते दुकान, मैं बैठ के मैं लेमन सोल पे बेचूंगी यार, बहुत टेस्ट शुरू करना चाहिए सही में गाइस। अच्छा गाइस मेरे बिजनेस आइडिया को स्टील मत करना भाई, बहुत टेस्टी है यार। बस कुछ ना कुछ सीन है यहाँ पे, यहाँ पे भी देखो क्या करना है। ट्राई करें यू ट्राई इट, आई एम नॉट ट्राइंग, आई सो अ डॉग आल्सो ड्रिंकिंग फ्रॉम द सेम डॉग ही आता इस कंटेंट नहीं, वो पुराने वाले में इसमें नहीं आता, मैं ले रहा हूं। तो कुछ तो है सीरियस ना नो गाइस, सीरियस नहीं रहा, वो अभी 100 रुपए चाट रही है तो पक रहा है यार। शिका बिजनेस आइडिया सबने चुरा लिया, यहाँ पे हर कोई लेमन 100 रुपए बेच रहा है, खाई जा रही है यहाँ लेमन 100 रुपए, लेमन 100 रुपए हर जगह, लेमन 100 रुपए भाई। बहुत अच्छी थी बट ये तो कुछ और ही अलग है भाई, पत्ते वत्ते भी दे रहे हैं, पत्ते वत्ते भी दे रहे हैं, कोई नहीं हम बम पटाके लगा के बेचेंगे। तो हमने ट्राई कर ही लिया, ट्राई पी नहीं रहे हैं हम, पैर धो रहे सिर्फ, हाथों में वो 100 रुपए गिरी हुई पैरों में, वो धो रहे हैं। बट ये देखो कितना सुंदर बना हुआ, आप ये देखो ना, सही बात है। इस टाइम हम बचपन में वो नहीं बनाते थे, मॉडल्स बनाते थे याद है? ओ यार उस पे वो जीआई जो लगाए ऐसे लग रहे, 100 रुपए गिरी हुई है, मैं पी नहीं रही हूँ। और यह सच में लोग पी रहे तो आई एम श्योर कुछ ना कुछ साफ ही होता होगा। चश्मे का पानी जो पहाड़ों से निकल के आते हैं वही तो होता है। दो छेद मेरी उंगली में सही हो गया, ये इसने काटा है, कटोरी है, कटोरी काटती है। अब हम ऐसी वो सड़कों पे चल रहे हैं, देखा है तो वैसे अपनी पुरानी दिल्ली भी ऐसी है ना, बस यहाँ पे ये फर्क है गोरों ने दुकानें खोली हुई है और फील थोड़ी वैसी वैसी सी आ रही है यहाँ पे। तो बस अभी जा रहे हैं, नीचे जा रहे हैं हम लोग, आई थिंक फिर हम निकलते हैं, हम थक गए। बट आउट ऑफ अ सडन एक पोर्शे शॉप आ जाती है, हाँ जस्ट फॉर एग्जांपल मेरे पोर्शे की ये अच्छी है लाइक एकदम से, हाँ आ जाती है। और हाँ शॉपिंग की चीज़ें काफ़ी हैं, तसल्ली से टाइम हो ना, हमारे स्थल टाइम भी कम है, यू हैव टू ड्राइव बैक टू रोम। मालफी कोस्ट पे चिया हमारी सो गई है तो अब हम निकल रहे हैं एंड गाइस ओवर एंड आउट कर ले, मन तो बड़ा कर रहा है बट हमारा ना शेड्यूल ऐसा है थोड़ा, हम कम टाइम के लिए हो रहा है सनसेट, मतलब सन वहीं पे रह गया, सन वहीं पे नहीं जा रहा है। अच्छा गाइस मुझे शर्म आ रही दिखाते हुए, बड़ा एक बार और देख लो, बेशरम है बेशरम, मतलब ये ऐसा है कि अगर दुकान भी खोल लेगी ना आधा स्टॉक तो खुद ही खा जाएगी रोज। ये बहुत टेस्टी है, मैंने एक और ले ली, बहुत टेस्टी। जो लोग आएंगे अब मेरे भाई बहन यहाँ पे
मेरे को सबने फोटोग्राफ भेजने जो जो आगे यहाँ पे लेमन सॉर्बे ट्राई करेंगे, और मैं मैनिफेस्ट करूंगी जो जो मेरा ये यूट्यूब ब्लॉग देख रहे हैं आप सब लोग देखना, साउथ इटली जरूर आओगे, रोम इटली आओगे, एंड इटली में आके हर एक बंदा यहाँ पे खाएगा, देखना कुछ ना कुछ अच्छे वे में ऐसा कुछ होगा कि बस आप लोग इटली आओगे, खाओगे, मुझे पिक्चर भेजोगे और मैं भी आ जाऊँगी खाने, बहुत टेस्टी है। तो भाई इस बंदी को वो नहीं आया, लिटरली रस्ते में हम कहीं पहाड़ों पे हैं और इसने ढूंढ लिए कहीं ना कहीं से लेमन लेके जाएगी, लेमन लेके जाएगी तू मिल के, लेमन मिल के मेरे सपने, तू मुझे ना डिटॉक्स वाटर बनाना जाके तो तेरे को ये वाला लेमन चाहिए अपने साथ, हम सिसली वो इटली को काफी टाइम तक रखेंगे ना। हाँ, ये पीछे दो मिनट पहले गाड़ी रोकी थी भुट्टा खाना था, अब उसके दो मिनट में रोकी है, सामने सनसेट हो रहा है, पीछे इतना मस्त, यहाँ पे पहाड़ी पहाड़ों पे हम चला रहे हैं गाड़ियाँ, एंड देन बस अब जा रहे हैं रोम हम।